करनाल के तरावड़ी के राजगढ़ गांव में रहने वाले 31 वर्षीय युवक का शव इंद्री की पश्चिमी यमुना नहर में मिला। युवक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि राजकुमार अपनी लापता हुई भतीजी पूनम को लाडवा के मुरादनगर में तलाशने आया था। मुरादनगर में हुई मारपीट के बाद राजकुमार गायब हो गया था। घटना के संबंध में लाडवा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। परिजनों का आरोप है कि मुरादनगर के लोगों ने उसकी हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया है। राजकुमार की भाभी ने बताया कि लखनपाल नामक एक युवक उनकी लड़की को गत दिनों घर से अपहरण करके ले गया था। जब वह और उसके परिवार वाले उसका पीछा करते हुए लाडवा के पास मुरादनगर गांव में पहुंचे तो वहां पर अनिल, रिंकू, शिव कुमार, दयाराम, अमित व कृष्ण एक दर्जन से अधिक लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन उनका देवर राजकुमार उन लोगों ने पकड़ लिया, जिसका आज मृत शरीर पश्चिम यमुना नहर में मिला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लाडवा पुलिस ने जब हम वहां पर शिकायत करने के लिए गए थे तो हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया और हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। बड़ी मुश्किल से लाडवा की पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज उनके देवर का शव नहर में बरामद किया गया। उन्होंने मुरादनगर के एक दर्जन से अधिक लोगों पर उनके देवर की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पर लाडवा पुलिस के जांच अधिकारी मूलचंद ने बताया कि राजकुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। युवक का शव पश्चिमी यमुना नहर से बरामद कर लिया गया है। परिजनों के बयानों के आधार पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी, हम गाँव राजगढ़ के रहने वाले हैं, तरावड़ी शहर से। आपका नाम? रुकमन रानी। हम ना खेत में गए थे जी, रिनिरान जी, गरीब आदमी मजदूर हैं जी, हम तो छोरी का सर दुख है था, वह घर पर रहेगी। पीछे तो ना लखन नाम का छोरा आया और छोरी ने ठाके ले गया, गिरने पर के ले गया, चाहे जिस तरिया ले गया। फिर हमारे तक किसी ने देख रखा था हमारे घर क्या ने, उसकी अकेली की पार नहीं बसाई, वो छोरी का पीछा कर रहा था, फिर वो वापस मुड़ गया जी। फिर उन्हें के कराया के मतलब वहाँ चले गए, हम घर गए, भाई जिसकी लड़की जाएगी कुछ तो करेगा। हमने सोनीपत फ़ोन कर रखा था, मेरे भाई भूयर भी आगे थे, वह तो कोई है थे गे नहीं। फिर ना हम वहाँ से चल ले, हमने जैसे ही गाड़ी रोकी, मतलब वो लड़की को लेके जा रहे थे कहीं, हमने सड़क पर ही रोक दी गाड़ी जी। फिर वहाँ से क्या हुआ, छोरी ने लेकर भाजन लागे, हम भी भाज लिए जी जोर लगा के। फिर हम छोरी के छिन्नन झपटी में, मतलब वहाँ काफ़ी दंगा फसाद लाठी चार्ज किया हमारे पे छोरी, ये मुरादनगर की है जी। फिर वहाँ पे हमने के कराया, लड़की तो खोस ले गए, फिर वहाँ हमारे पे लाठी चार्ज कराया, ना लुगाई देखे हमें आदमी होकर मारे हैं, ना लुगाई देखे, ना जेंट देखे, ना औरत देखे, फुल लाठी चार्ज करी मारे गेला। फिर उन्होंने के कराया, मारा देवर हमारे हाथ पे छीन लिया, उसकी घराली भी थी मौके वारदात पे, उसके हाथ पे हमारे हाथ पे छीन लिया। मारता डेरे वाले ने मान ले लुक छुप के, किसी ने भाई हो जावा, दो चार भाई खड़ा, माता कहा भाई कुछ नहीं बनते, ये तो गांव के गुंडे हैं, हमने भी देख लिया फूल कि ये तो गुंडे ही है। फिर हमने क्या करा, हम थाने में गए, लाडुआ थाने में जो गए, दो तीन मोटरसाइकिल हमारे पीछे भगाई, हमने कहा भाई गाड़ी स्पीड भजा, हमने पहुँचना है लाडुआ। हम लाडुआ पहुँचे, वहाँ तीन पता ऑफिसर थे, के थे हम तो जानते नहीं, अनपढ़ आदमी है जी हम तो। हम वहाँ पहुँचे तो भाई बेचारा कोई एक समझदार था, उसने कहा बैठ जाओ जी, हम बैठ गए जी। यो जो है ना, ये जो आ रहे हैं आज, इन्होंने हमारे को फुल गाली गलौज दी जी, मैं नहीं डरती जी, चाहे मेरी ये जान भी ले ले, मैं अने तो बड़े आदमी है जी। फिर वहाँ फिर हम गए, इन्होंने कहा चलो बहन चौदो यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, पहले मेडिकल बनवाओ। हम वहाँ गए जी मेडिकल, मेरे तो चलन की भी सोच दी नहीं थी, सूट तो देखते जी, उस दिन फोटो खींचने वाला होता तो हाल तो देखता। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी करके 250 रुपये लिए मारे। फिर उन्होंने कहा भाई वहाँ रेफर कर दो कुल 76, मारा तो छोरा जा रहा जी, हम कहाँ से कर दे। फिर दूसरी बात, मेरा भनोइया पवन, निम्मो, मुकेश वहाँ पे पकड़ लिया तीन बंदों ने, उन्हें खुद का वहाँ का सरपंच मिला हुआ था वहाँ से, उस सरपंच ने भी ऐसा किया कि वहाँ पुलिस ले जाके इनको वहाँ से उठवाया, फुल मारा मारपीट की उनके साथ। फिर हालांकि वहाँ थाने में ले गए, उन्हीं के राज उन्हीं से मेरे जेठ से साइन करवा लिया, जीप छोड़ देंगे तेरे भाई ने, जीप थम यहाँ इस पर साइन कर दोगे, उल्टा केस मार पे ठोक दिया जी। हम कल दरखास्त लिखन गए, कोई सुनवाई नहीं हुई जी हमारी।
ये बताओ थारे आगे लाश मिल रही है, क्या खून के बदले खून करवा लेंगे जीवा? और जो ये देवर के साथ क्या किया? मेरे देवर के साथ तो जो हुआ आज हुआ जी, हमको सीधे लाश ही मिली उस दिन का मिला हुआ मेरा देवर। हमने ना मार दिया जी उसको, तो जान से मार के नदी में फेंक दिया। उन्होंने तो ऐसा सबूत बांध के फेंक दिया था कि भाई उनको मिले ही ना लाश। आपकी लड़की कहाँ? हमारी लड़की का कुछ अता पता नहीं कि लड़की हैगी कहाँ। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं भाई हमारे को न्याय मिले, जितने बंदे मारने में थे उनको सजा मिले। खून के बदले तो खून कोई करता नहीं है जी, इतनी हमारी औकात नहीं, हम तो गरीब आदमी है जी। हमको अन्याय खूब मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए जी। हम कुछ नहीं जानते जी, हम गरीब आदमी है जी। हाँ जी, मैं गोताखोर प्रगट सिंह, दबखड़ी, ऑनलाइन फ्री सेवा। और पिछले 17-18 सालों से लगातार हम अपनी टीमों के साथ नहरों पे सेवा निभा रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, कैसी भी सेवा हो। तो ये रात तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझे इंद्री पुलिस का मैसेज गया था कि इंद्री हट पर एक डेड बॉडी एक जालों के अंदर फंसी हुई है, तो कृपा आप अपनी टीम के साथ पहुँचना। तो सुबह फिर मुलाजमों का फ़ोन गया, तो सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आप सभी ने लाइव देखा है कि बड़ी मशक्क़त के साथ जो हेड के अंदर ये डेड बॉडी फंसी हुई थी उसको हमने निकाल के तो अभी तुरंत जो पुलिस हवाले है पुलिस को सौंप दिया जी। कितना समय लगा बॉडी निकालने में? सर तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि नीचे नहरें जो लहर थी बहुत उफान पे थी, और कमर को अपनी रस्सा बांध के अपनी सेफ्टी हुई, अपनी टीम की सेफ्टी हुई देखे तो काफ़ी मशक्कत के बाद हमने इस डेड बॉडी को बरामद कर लिया। हाँ सर, मेरे साथ मेरे टीम में 4 साथी आए हुए हैं। कब से कर रहे हैं आप ये काम? सर मैं 18 साल से ये सेवा निभा रहा हूँ, और तकरीबन 11,851 डेड बॉडियाँ, 1672 लोग जिंदा और 9 जिंदा मगरमच्छ पकड़ कर हम अपनी सेवाएँ निभा रहे हैं। और सर इसमें हमने 340 का मुकदमा दर्ज कर रखा है, FIR लॉज हमारे पास। रात हमारे पास 11:30 बजे करीब टेलीफोन गया कि भैया एक डेड बॉडी है और जो इंद्री हेड पे है। तो फिर हम रात को यहाँ पे आए, रात को काफ़ी अंधेरा था, और वो करके फिर डेड बॉडी निकाल नहीं सके। फिर हमने अपना ये अपना गोताखोर जी हैं प्रगट सिंह जी, इनको फिर हमने इन्फॉर्म किया, फिर ये यहाँ पे आए। आने के बाद ये डेड बॉडी निकाल लिया, अभी इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वो तो इनका इन्होंने बताया था भैया हमारी लड़की है, गांव में से किसी के साथ चली गई है, उसकी तलाश में ही आए थे। तो फिर ये बाकी तो चले गए, ये फिर कल हमारे पास आए, बोले जी हमारा बंदा नहीं हमारे को मिला। भाई फिर उसके हमने FIR लॉज कर दी थी, रात इसकी डेड बॉडी निकली। क्या है, मर्डर है क्या ये? अभी तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है सर, अभी आगे देखते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं भाई आप लोगों ने काफी इनको गाली गलौज मतलब व्यवहार करे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, पुलिस के ऊपर तो आरोप लगते ही हैं। कोई चोट का निशान है बॉडी के ऊपर? अभी पोस्टमार्टम के बाद होगा जो भी। लड़की का कोई ज्यादा पता लगे हो? हमारे पास मैटर नहीं है सर, वो मैटर तलावड़ी का मैटर है, हमारे पास मैटर नहीं है। आपके पास मारपीट का मामला इस तरह का है? नहीं, ये याद है जब हम वही हमारा गुमसूदगी का है हमारे पास। मारपीट का मामला नहीं आया आप लोग? नहीं, मारपीट का नहीं आया, गुमसूदगी का है। ये बोले हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमारी कार सुन हुई है, रात को गए होंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.